तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी की सफाई से। और हफ्ते में एक बार तो मैं गाड़ी धो ही देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत विजयनगर साइड बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी एकदम उड़ता रहता है और बैठ के बिल्कुल जाम हो जाता है। तो भाई गाड़ी साफ़ करने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास ये होना ज़रूरी है, ये अगर आप कपड़े करेंगे या जैसे कॉटन वॉटन कपड़े करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है जो मिट्टी जैसे यहाँ पे चिपकी हुई है, अगर आपने उस पर ऐसे रगड़ दिया तो पूरा चांसेस है कि आपका पूरा स्क्रैच पड़ता चला जाएगा टाइम टू टाइम और चमक कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले गाड़ी साफ़ करने से पहले आपको अच्छे से प्रेशर से, पानी प्रेशर से अच्छे से पूरा मिट्टी धूल जो भी बैठा हुआ है हर जगह हटा देना है। और उसके बाद एक बार अच्छे से पानी पूरा मार के स्पंज से, आप चाहे तो शैम्पू या हल्क डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और जिसकी वजह से जो कलर है वो फेड नहीं होंगे। डिटर्जेंट थोड़ा हार्ड पड़ जाता है तो भाई वो आपके ऊपर है, जो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। और एम्प्टी साफ़ करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पैनल गैप्स हैं, पूरा ठूस ठूस के अंदर पूरा साफ़ करना होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई हफ्ते में अगर दो बार भी आप पेड वॉश करवाएंगे तो इस टाइम 100 रुपये से कम कोई लेगा नहीं। 100 रुपये यानी हफ्ते महीने में 3 बार कराएंगे, 4 बार कराएंगे तो मान के चलिए 1000 कह रहा हूँ, 400-500 रुपये तो जाएगा ही जाएगा आपका। तो भाई जो चीज़ घर पे हो रही है आराम से और जो काम करने में दिल भी लगे तो वो खुद करो, और अपने हाथ से गाड़ी साफ़ करने का भाई फील ही अलग रहता है और फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे आप, क्योंकि वो लोग करेंगे जल्दबाजी में और भी गाड़ियाँ देखनी पड़ती हैं, तो जिस तरह आप खुद साफ़ करेंगे वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको बाकी कस्टमर्स भी देखने होते हैं। इसमें भाई पता नहीं कैसा फाइबर पैनल यूज़ किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी कैच होती है, चिपक जाती है, ऐसा लगता है जैसे पैनल्स पे प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मिट्टी बिल्कुल ये ऐसा लगता है ना कि सोक करती है, चिपका लेती है बिल्कुल, उंगली से आप रगड़ेंगे तब जाके छूटेगी। तो भाई ये देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं भाई इसको साफ़ करने में। घर पे अगर प्रेशर है, अगर आपके यहाँ बोरिंग है और क्या कहते हैं बोरिंग वाला मोटर है, आप प्रेशर हाई प्रेशर मारिए, बहुत आराम से साफ़ हो जाएगी। मेरे यहाँ बोरिंग नहीं है जिसकी वजह से बाल्टी में पानी रख के और या तो ये पतली वाली पाइप से मुझे धोना पड़ता है। तो भाई ये देख रहे हो शॉकर कितना गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अभी तो मैंने प्रेशर मारा है तो ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ना ये पूरा एक्सपोज्ड है टायर से डायरेक्ट, तो भाई ये गंदा होता ही होता है, ये वाला पार्ट आप साफ़ कर करके पागल हो जाएंगे, बिल्कुल लिटरली पागल हो जाएंगे। ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना भाई, ये साफ़ ही नहीं होता, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैन्युफैक्चर्ड ही डिफेक्ट है, काला हो गया है। ये थोड़ा खुरदुरा वाला पार्ट है तो इसमें मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है तो निकलती नहीं, और नीचे वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल स्मूथ है तो ये भाई तुरंत निकल जाता है। भाई ऐसे नहीं साफ़ करेंगे दुकान वाले ना, तो नई गाड़ी है भैया, 2-3 महीने आप धोएंगे उसके बाद, जैसा कि नई चीज़ों के लिए इंटरेस्ट होता है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई मैं जब तक पॉसिबल है तब तक मैं साफ़ करता ही रहूँगा।
भाई ये तो साफ ही नहीं होता जल्दी, इसमें कितना भी हाथ डाल दो अंदर मिट्टी रही जाती है। भाई जो चीज़ दिखाने वाली होती है ना उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई अभी तक तो मेरे सॉकर लीक नहीं हुए हैं और ना ही हो तो अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक बार ख़राब हुआ तो फिर वो ख़राब ही रहेगा। तो भाई वो देख रहे हैं इंजन में आगे अंदर कितनी मिट्टी है, यहाँ पे यहाँ प्रेशर मारेंगे तभी साफ होगा, हाथ भी नहीं पहुँचेगा वहाँ, तो हाथ भी नहीं पहुँच रहा है भाई। भाई अब रिम साफ करते हैं आगे वाला, तो एक बार अच्छे से रगड़ लेते हैं फिर मिलते हैं गाइस। तो भाई हर जगह बढ़िया सा पानी मार चुके हैं और साफ़ हो चुकी गाड़ी लगभग हर जगह से। अब सूखा हुआ स्पॉन्ज लेंगे और हर जगह एक बार पानी सुखा देंगे ताकि धूल जो उड़ रही ना वो चिपके ना। लो भाई पानी बंद हो गया, भाई हर जगह से साफ़ हो चुकी है, कहीं पर भी मिट्टी नहीं है, कहीं पर भी टायर गंदे हैं थोड़े, टायर क्या ही साफ़ करें, गोबर लगा हुआ है ऐसे ही। लो भाई गाड़ी धोते हुए लव बाइट भी मिल गया गाड़ी से, दिख रहा है ये देखिए, आय हाय हाय हाय, इधर भी लग गया थोड़ा सा, तो हर जगह हाथ डाल के भाई इसको साफ करना होता है तब जाके साफ होती है ये। एक बार स्टार्ट कर ले, हो सकता है साइलेंसर में पानी गया हो तो वेपराइज हो जाएगा। अब गाड़ी को बढ़िया सा पोछेंगे, कैमरा गंदा तो गाड़ी को बढ़िया सा पोछेंगे अब, और इसको बढ़िया सा ढक के रख देंगे। तो भाई जितने लोग भी अपनी खुद की गाड़ी खुद वॉश करते कमेंट सेक्शन में बताइए, और वॉश करते टाइम क्या फील आता है, जो खुद की ड्रीम बाइक साफ करते हैं अपने गैराज में, अपने घर में, अपने बाउंड्री में, कमेंट बताइए।